नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कब आएगा और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। फ्रेंड, क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले कहना चाहूँगी, यदि आप UGC नेट जे आर फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा पेड कोर्स भी उपलब्ध है जहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर के नोट्स मिलेंगे और साथ ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो 2022 का एग्ज़ाम होगा उसका रहता है, उसकी पहले नोटिफिकेशन दी जाएगी जिसमें आपको पूरा प्रोसेस दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक जो है आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके बाद में इस डेट को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके बाद आपका इस डेट से इस डेट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये प्रोसेस रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको जो बताएं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हर बार क्या होता है, अभी तक का जो मैं आपको बताऊं, मुझे जो जानकारी है नेट जी आर की वो 2018 से है। मैंने अपना 2018 में नेट क्लियर किया था जब मैंने अपना PG क्लियर किया है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, तब से उससे पहले तो मुझे नेट के बारे में इतना जानकारी नहीं थी और कोई रखता भी क्या है ना। जब तो बात करते हैं कि जो जून में एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म जो है आपका मार्च में आता है। ठीक है, मार्च में आता है फॉर्म, तो एक मंथ का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, मार्च में फॉर्म आएगा आपका और एक मंथ दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने का। अब 1000 रुपये फीस होती है जनरल वालों की, उसके बाद EWS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है शायद 500 रुपये है, और वहीं OBC का भी है और ST का कुछ है। ठीक है, वो मैं क्लियर बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये फीस होती है जिसके लिए आपके पास PG होना चाहिए। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 55% जो है होना चाहिए, अगर अदर कोई है तो आपका 50% चलेगा। ठीक है, वैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 70% लगभग आपका स्कोर होना चाहिए UGPG में। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्म कब आएगा उसका आंसर, कि फॉर्म आएगा आपका मार्च में, और यदि आपका मार्च में आता है तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो आएगा मई में, और मई के बाद एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होगा डेट कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अपने 84 जो सब्जेक्ट हैं उनमें अलग अलग एग्ज़ाम होता है। फिर बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई के बीच में होगा, जून से जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये क्लियर डेट है फ्रेंड। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा और एडमिट कार्ड आपका मई में आ जाएगा, 12 मई से। जैसे 12 मई से, अब तो ये होता है कि 8 दिन पहले ही देता है NTA, 8 दिन पहले, मतलब अब जो एग्ज़ाम होगा, वैसे क्लियर था कि मई में आ जाता तो लास्ट वीक में आ जाएगा, अगर जून में एग्ज़ाम होना है तो लास्ट वीक तक आपका जो है। अब क्या होता है कि 84 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाइज एडमिट कार्ड दिया जाता है 8 दिन पहले या 5 दिन पहले। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। और दूसरा, आपका एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई के बीच हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके जो सवाल थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी व्हाट्सएप पेड कोर्स की बात जो कही है उसमें फ्रेंड आपको मैंने बता ही दिया है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको ऐड होना है, ज्वाइन करना है, तो आप 9076657508 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस, अब आप समझ लीजिए कि कितना आपको समय मिल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने, मतलब 90 दिन आप मान के चलिए आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, 40 दिन आपको, मतलब 50 दिन आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको नहीं आ रही हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहिए। उस 50 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, और 50 दिन का टाइम आप निकाल लीजिए जिसमें आप पढ़ाई करिए, और हर संडे एक टाइम बना लीजिए जिसमें जो चीज़ पढ़ी उसका रिवीजन करें। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए सहयोगी साबित होगी। तो
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको बता दें रात्रि 9 बजे आज हमारी लाइव क्लास रहेगी, जिसमें आप सभी लोग जरूर से ज़रूर जुड़िएगा जो भी UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।